जी की न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय स्काई व्यू में हैं, जहां पर स्काई व्यू ने एक आर्ट एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसका नाम समावाया है। और इस एग्जीबिशन में देश भर से काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हैं, जिन्होंने यहीं पे 3-4 दिन रहकर यहाँ की वादियों से, यहाँ के लोगों से इंस्पायर होकर, यहाँ पे जो चीज़ें देखी उन्होंने, उन सबको देख कर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं। आइए आपको वही सब कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मोहन जी, एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मोहन कुमार वर्मा है, हम मथुरा से आए हैं। गॉड कृष्णा के ऊपर हम ज़्यादातर पेंटिंग बनाते हैं। ये सांझी पेपर कटिंग है, इसको कि एक छोटी सी सीजर से कट किया जाता है, इसको फिर मंदिरों में डेकोरेट के काम आ जाता है। वो कृष्णा से संबंधित लीलाएँ बनाई जाती हैं। हम लोग यहाँ हैं कश्मीर, तो हमने कश्मीर से संबंधित कुछ डिजाइन यहाँ पर रह के बनाया है। एक बार अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर देंगे हमें यहाँ पर, तो ये आपने क्या बनाया? उड़ती हुई चिड़िया। तो ये थे हमारे साथ मोहन जी, जिन्होंने ये कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, जो इनका कहना है कि ये क्योंकि मथुरा वृंदावन से हैं, तो उससे रिलेटेड जो है उनकी इंस्पिरेशन रहती है हमेशा। सर, जेके न्यूज़ टुडे में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले तो ये जो भी समावाया है उसके बारे में आप बताइए। See, Samavaya is an art exhibition which we have organized in collaboration with Miss Anupa Mehta. She is a renowned art curator. So, unse collaborate karke humne ye art exhibition yahan karaya hai. In this, we've invited artists from across India. We've hosted them for 5 days where they've stayed with us and used the environment and the facilities to create the paintings that you see. So that was the whole idea. The whole idea of having Samavaya was to introduce art to the Jammu region and promote art being a facilitator. That was the whole idea. And what about the Jammu artists? Have you invited Jammu artists also to visit and view to this exhibition? Yes, we've invited a few Jammu artists to come and have a look at the exhibition, because this exhibition was coordinated with Miss Anupa Mehta, who is a world-renowned art curator. So she was the main coordinating factor behind it. And how much footfall you are expecting here today? We're expecting a good footfall. Because it being a weekend, a Saturday, we expect a lot of people from Jammu region, Jammu and Udhampur area, to come and have a look at the art exhibition. So what was your inspiration and why you have started this exhibition, and why you have chosen this particular venue here? We've chosen this venue because we also want to showcase Skyview Empire into the world. And Jammu, honestly speaking, is not very renowned for art. Okay, so we want to introduce art as a passion, art as a culture in this region. So that's why we invited Ms. Anupa Mehta to organize this art event here. So should we expect these kind of exhibitions more in future? Yes, definitely. जी, मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। हम जम्मू से ट्रेवल करके पत्नीटॉप यहाँ एग्जीबिशन देखने आए हैं। जो हमारे बाहर से आर्टिस्ट, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात से आर्टिस्ट आए हैं, यहाँ पे आर्ट का कैंप था उनका, और आज वो एग्जीबिशन लगी है सारी पेंटिंग्स की। तो ट्रेडिशनल फोक आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट भी काफ़ी, मतलब जो एग्जीबिट हुई हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी ये हमारे लिए भी अच्छा इनिशिएटिव है। तो जम्मू के लोगों के लिए कुछ एक्सपोजर बढ़ता है जब इस तरह के आर्टिस्ट, जो नेशनल क्लेम्ड या इंटरनेशनल क्लेम्ड आर्टिस्ट आते हैं? बिल्कुल, एक्सपोजर बहुत अच्छा है और आउटिंग भी है कि अलग एक स्टेशन पे हम आके देख रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जम्मू में भी हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएंगे। तो जैसे आपने कहा कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं और आप एक आर्ट स्टूडेंट भी हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वहाँ का आर्ट और यहाँ जम्मू के आर्ट में, जो आपने यहाँ पर देखा? यहाँ का जो हमारा, जो मैं फोक आर्ट की बात करूँ, अगर ट्रेडिशनल जो हमारा है वो बसोली पेंटिंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं
मतलब गायब होती जा रही है, बट आजकल बहुत सारे जो हमारे पुराने आर्टिस्ट जो और नए बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की। मैं खुद बसोली पेंटिंग भी करती हूँ, हमारे यहाँ पे और भी आर्टिस्ट आए हैं बसोली पेंटिंग करते हैं, तो उसको भी अलग अलग वे में हमें मतलब आगे लेके जाना चाहिए। GI टैग भी अब उसको मिल चुका है। तो बात करें कि आर्ट की पेंटिंग्स की, तो एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि हमारा माइंडसेट भी काफ़ी एक्सप्लोर होता है और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो हम अपनी पेंटिंग्स के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू में इस तरह की एग्जीबिशंस बहुत कम होती हैं? जी कम तो होती हैं, वही मैं कह रही हूँ कि होनी चाहिए। प्राइवेट भी जैसे अब यहाँ स्काई व्यू के थ्रू हुई है, वैसे यूनिवर्सिटी भी हमारी करवाती रहती है जम्मू यूनिवर्सिटी, और गवर्नमेंट को भी और ध्यान देना चाहिए कि और मतलब जैसे मंथ में एक बार तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो अगले आर्टिस्ट हमारे साथ हैं भैरवी मोदी जी, तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हेलो, आई एम भैरवी मोदी। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने MS यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था 2004 में। मैं फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ ज़्यादातर। ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत लैंडस्केप और उसका बहुत फैसिनेटिंग है। मेरे लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस इस तरह कैसे है क्योंकि मैंने ज़्यादातर फिगरेटिव काम किया है और यहाँ पे लैंडस्केप बहुत ओवरवेलमिंग है, तो वो लैंडस्केप मेरे काम में कैसे रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि मेरी पैलेट बहुत ब्राइट होती है वैसे भी, और वो कलर्स और वो यहाँ पे देखने को मिला, जैसे बहुत अच्छा ग्रीन येलो स्काई का कलर, तो ये सब मेरे काम में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर तो स्टूडियो में अपने तरीके से काम करते हैं, बहुत ही अपना एक कन्वीनियंट एटमोसफेयर होता है और अपने टूल्स होते हैं यहाँ पे, कम टूल्स के साथ और लोगों के बीच में रह के काम करना, वो एक अलग तरीके का अनुभव था हमारे लिए। और 4 दिन हम सब ने अच्छे से यहाँ पे काम किया क्योंकि होटल ही हमारा स्टूडियो था, जब चाहो काम करो, रात को भी काम करते थे, सुबह उठ के भी काम करते थे, तो अच्छा कैंप था और काफ़ी अच्छी जगह है, लोगों को विज़िट करना चाहिए। और जम्मू में ऐसे एक्टिविटी होती रहे, हम चाहेंगे कि बार बार आए क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। हम तो सिटी में रहते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है ऐसे 4-5 दिन बिताना। तो आपकी पेंटिंग के बारे में कुछ बात करते हैं, जो आपने ये पेंटिंग शायद यहीं पे बनाई है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, तो इसके बारे में एक बार फिर से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं पिछले 7 साल से गुजरात के ट्राइब को फॉलो करती हूँ। सापुतारा के पास डांगी लोग हैं जो अभी भी उनके रिचुअल फॉलो करते हैं, और भवाड़ा, डूंगर देव, बैलपोड़ा, ये सब ज़्यादातर गुजराती और मराठी महाराष्ट्रियन, ये दोनों कल्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने किया है वो भवाड़ा में उनका, वो लोग ऐसा होता है कि पेपर मास्क होता है और रामायण और महाभारत के पात्र होते हैं, वो पेपर मास्क पहन के पूरा रात वो लोग नाच करते हैं और हनुमान जी उनके गॉड है तो उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं वो लोग। तो वो मैंने हमेशा जब भी भवाड़ा होता है वो अखातरीज से पहले आता है तो वहाँ पे जाती हूँ, 5 दिन वहाँ पे रुकती हूँ, उनको स्केचेस करती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ और उनमें से फिर मेरा काम आगे होता है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण और बलराम ताटी मतलब उनका बाम्बू का एक स्ट्रक्चर रहता है और वो पूरा वो लड़कियाँ पहनती हैं और फिर नाच करते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ है। किसने इंस्पायर किया आपको यहाँ पर ये बनाने के लिए? ये मैंने बोला ऐसे, मेरी सीरीज़ चल रही है 2016 से, और क्योंकि मैं फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ इसलिए लैंडस्केप मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे था कि मैं अपने काम को यहाँ पे कैसे एक्सप्लोर करूँ क्योंकि यहाँ पे पैलेट बहुत अलग होती है, यहाँ का जो एक फ्रेशनेस है, जो हवा है यहाँ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बता सकते कि आपने यहाँ पर क्या फील किया, जो आप कर रहे हैं उसमें ही कुछ अलग यहाँ पर निकलेगा। तो ये मैंने जानने की कोशिश की मेरे अंदर कि यहाँ पे वही चीज़ को लेके मैं कैसे काम कर सकती हूँ। सो हमारे साथ जो अगले आर्टिस्ट हैं इनका नाम है सारिका मेहता, तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। मैंने बड़ौदा से MSU में से प्रिंट मेकिंग किया है और उसके बाद मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं बैचलर्स पेंटिंग में किया है। मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में,
और काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, काफ़ी सारा कैंप्स एंड अवार्ड्स किए हैं, और अभी यहाँ हम लोग आर्ट कैंप में हैं, अनुपा मेहता ने बुलाया है, तो इट्स बीन वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन यू दिस पेंटिंग? सो दिस इज़ अ गुजरात का भूज, सो ये हमको घर से लेके आना था। सो गुजरात में देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड भूज, सो ये भूज का लैंडस्केप है। आई जनरली वर्क इन लैंडस्केप एंड सरियलिज्म, स्पेस पे मैं काम करती हूँ पहले से। ये लैंडस्केप है भूज का। सो यहाँ मैंने दिखाया है कि सो बर्ड इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एनी वन, लाइक देर इज़ अ प्रेजेंस इन द लैंडस्केप एंड देन समथिंग इज़ ग्रोइंग, राइट? सो देर इज़ अ बैरन लैंडस्केप बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि कुछ ग्रो नहीं करता है। सो कभी कभी कुछ देर इज़ अ पॉजिटिविटी इन दैट यू नो समथिंग इज़ ग्रोइंग एंड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दैट। सो दैट काइंड ऑफ लैंडस्केप आई ट्राई टू मेक। आई हैव डन अ सोलो शो अभी लास्ट ईयर गैलरी वाइट में बड़ोड़ा में, सो वो मेरा पूरा भूज पे काम था लैंडस्केप पे। लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग व्हिच यू हैव मेड हियर। या सो व्हाट्स दिस अबाउट? सो आई हैव बीन हियर सिंस 3-4 days नाउ एंड यू नो आई एम जस्ट सिटिंग आउटसाइड ऑफ माय कॉटेज एंड सीइंग ऑल दिस ट्रीज अराउंड मी and there is this chair, so you know in one morning I woke up and so I try to do all the works which is around me here. इधर के ही मैंने काम किया है क्योंकि मैं ऐसा प्लान करके नहीं आती हूँ। मुझे लगता है यहाँ रह के तुम जो ऑब्जर्व करते हो, जहाँ तुम यहाँ कनेक्ट हो पाते हो, तो उस पर काम करो तो मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ के सब ट्रीज़ को करा है और ये चेयर पर मुझे ऐसे बहुत मस्त दिख रहे थे, दो बर्ड्स ऐसे बैठे थे। इट वॉज मोर ऑफ अ रेस्ट, हम लोग यहाँ जम्मू में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी रेस्ट फीलिंग। मतलब लाइफ स्लो हो गई है, बहुत कामनेस है, तो ये कुछ दिखाना चाहती थी मैं। सो अदर देन योर पेंटिंग, सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस सो फार हियर इन जम्मू? ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, ग्रेट स्टाफ, वेरी गुड, वेरी काम पीपल, वेरी जेन्युइन पीपल एंड आई लव द वाइब्स ऑफ कामनेस। मतलब कोई किसी का कोई कपट नहीं है, कोई शांति है, ऑनेस्टली बात करते हैं और ब्यूटी तो है ही जम्मू में, तो गर्मी बहुत है जो मुझे लगा था कि ठंड होगी, बट या कंपैरेटिवली गर्मी काफ़ी है। बट हम लोग गंडोला में भी गए ऊपर, तो इट वाज रियली रियली नाइस टू बी हियर। आई बीन टू कश्मीर, मैं पहले आई हूँ यहाँ श्रीनगर और वो एरिया में, मैं पुलवामा भी गई हूँ कुछ काम के लिए, तो आई हैव सीन दैट पार्ट ऑफ कश्मीर। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पार्ट, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट नाइस एंड काम पार्ट। या सो हैव यू ट्राइड एनी लोकल फूड हियर? यस, नाम याद नहीं है, पतीसा खुद का पतीसा, पर मैं मुझे नदरू यखनी खाना था, वो कल बना रहे हैं, और कल यस्टरडे कटासा के कुछ तो खाया, तो दैट ब्रेड एंड उसके अंदर पनीर का कुछ रख के कलाड़ी। कलाड़ी, यस कलाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।